अलकनंदा नदी के किनारे स्थित बद्रीनाथ में नीलकंठ वर्णी पुनः आ पहुंचे। नीलकंठ वर्णी आप नीलकंठ वर्णी हो जी पुजारी जी। अरे प्रभु, जब भी आपको याद करता था तब चिंता होती थी कि आप किस हाल में होंगे, जीवित भी होंगे या नहीं। जाते समय मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपसे फिर मिलूंगा, सो आ गया। परंतु आपका शरीर, कितना दुबला पतला हो गया है। चलिए सबसे पहले कुछ अन्न ग्रहण कर लीजिए। आइए प्रभु, पधारिए। यहां से चलिए प्रभु, इस तरफ से पधारिए। मानसरोवर जाने से पहले अंतिम भोजन आपके वहां ज्योतिर्मठ में किया था और वहां से लौटकर प्रथम भोजन भी आप ही के यहां कर रहा हूं। अकल्पनीय। वहां ऊपर 6 महीने तक आप क्या खाकर जीवित रहे? वायु। मुमुक्षुओं के भावों को परख कर उन्हें अपने संबंध से कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करते रहने का नित्य क्रम नीलकंठ वर्णी ने अखंड रखा था। उनके साथ उनकी जगहों पर उनके ही जैसे बनकर रहते हुए इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का उपयोग परम कल्याण के लिए होना चाहिए, नाशवंत भौतिक सुखों के लिए नहीं। और कभी प्रत्यक्ष रूप से साथ रहने का योग न रहे तो अपनी स्मृतियों और वचनों के सहारे कल्याण के मार्ग पर चलते रहने का सुयोग करवाते हुए। प्रभु, आपने कहा था कि आपकी यात्रा कल्याण के लिए है, परंतु आपकी इतनी कष्टदायक यात्रा से किसी का कल्याण कैसे होगा? इस पृथ्वी पर जगह जगह पर अनेक मुमुक्षु हैं जो सच्चे भक्ति भाव से साधना कर रहे हैं। मुझे यात्रा करके उनसे भेंट करनी है, उन्हें कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करना है। दूसरों के कल्याण के लिए स्व
स्वयं पर इतना कष्ट? नीलकंठ, आपकी यात्रा सच में कल्याण यात्रा ही है। मेरा परम सौभाग्य कि मुझे आपकी सेवा का अवसर मिला। मेरा ध्यान रखने के लिए आपका भी धन्यवाद। आप अपना विशेष ध्यान रखिएगा नीलकंठवर्णी। शुभम भवतु। प्रणाम।